कीमती समय निकाल के हम सभी भक्तों को संग दे रहे हैं। तो मैं महाराज की छोटा इंट्रोडक्शन देने के लिए प्रयास करूंगा। तो महाराज 1957 में जगन्नाथ पुरी धाम में आविर्भूत हुए हैं। ऐसे शास्त्र में कहा गया है कि कोई अगर जगन्नाथ पुरी में जन्म होता है तो वो भगवान विष्णु के जैसे चतुर्भुज होते हैं, भगवान विष्णु के जैसे दिव्य रूप हैं। तो जगन्नाथ पुरी में जो भी जन्म होता है वो लिबरेटेड सोल होते हैं। तो महाराज जब कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे तो उस समय वो इस्कॉन के संस्पर्श में आए, इस्कॉन के भक्तों के संस्पर्श में आए हैं। और फिर 1978 में महाराज फुल टाइम डिवोटिस के हिसाब से महाराज अपने जीवन श्रील प्रभुपाद और भगवान श्री कृष्ण की वाणी को प्रचार करने के लिए अपने जीवन समर्पित किए हैं। तो हिज होलीनेस भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज वो जय पताका स्वामी महाराज के शिष्य हैं। और शुरुआत के दिनों में महाराज कोलकाता में संकीर्तन लीडर के हिसाब से और फिर मायापुर बोट प्रीचिंग और अलग अलग सेवा के हिसाब से वो दायित्व लिए थे। फिर 1983 में महाराज 4 साल के लिए भुवनेश्वर मंदिर के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और उसके बाद से महाराज मायापुर में चले गए और मायापुर में जनरल मैनेजर के हिसाब से महाराज सेवा किए हैं। और मायापुर में बहुत सारे प्रकार के जो डिपार्टमेंट्स हैं महाराज खुद उनकी शुरुआत किए हैं और उस सारे डिपार्टमेंट का डेवलपमेंट किया है। जैसे गीता स्टडी कोर्स हैं, कॉलेज प्रीचिंग है, स्कूल प्रीचिंग है, फिर संकीर्तन डिपार्टमेंट है, कैंपस प्रीचिंग है, ऐसे बहुत सारे जो प्रीचिंग डिपार्टमेंट है महाराज खुद अपने हाथों से उनका शुरुआत किया है। आज मायापुर का जो डेवलपमेंट आप लोग देख रहे हैं तो इसमें महाराज का बहुत कंट्रीब्यूशन है। मायापुर का डेवलपमेंट है, फिर नवद्वीप मंडल का डेवलपमेंट है। आप लोग देखते हैं कि नवद्वीप धाम का यात्रा होता है, नवद्वीप धाम का परिक्रमा होता है। और रिसेंटली 5-10 साल पहले पूरी परिक्रमा शुरू हुआ है और लगभग 10,000 लोग हर साल पूरी धाम का परिक्रमा करते हैं। और ये सभी चीज महाराज के विशेष प्रयास से और उनके इच्छा से ये इसका शुरुआत हुआ है और बहुत लोगों को भगवान की कृपा प्राप्त हो रहा है। और एक विशेष चीज महाराज रिसेंटली शुरू किया है वो है इस्कॉन इंडिया ट्राइबल केयर इनिशिएटिव। तो श्रील प्रभुपाद के कृपा से ये कृष्ण भावनामृत का प्रचार जो है सारे शहरों में और देश में प्रवेश फैल गया है। और लेकिन गांव और जंगल और पहाड़ में पहुंचा नहीं था, लेकिन महाराज के कृपा से आज पहाड़ के ऊपर जंगल के अंदर जिधर लोग जाते नहीं है उधर भी कृष्ण भावनामृत पहुंच गया है। और ट्राइबल लोग जो इस्कॉन के जो वो लोग कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, गुरुकुल आ गया है। तो ऐसे हजार हजार लोग महाराज की कृपा से कृष्ण कॉन्शियसनेस में प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं। तो मैं जब कृष्ण भावनामृत के शुरुआत के दिनों में था तो मेरे को पर्सनली महाराज की विशेष कृपा प्राप्त हुआ है। और महाराज जो स्कूल प्रीचिंग डिपार्टमेंट है, यूथ प्रीचिंग डिपार्टमेंट है, महाराज खुद शुरू किए हैं। और बहुत सारे यूथ लोग बंगाल में, ओडिशा में और अलग अलग जगह में महाराज से है प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं। महाराज बहुत सारी किताब भी लिखे हैं, श्री जगन्नाथ लीला, राधा रानी के ऊपर लीला जो अभी आप लोग राधा रानी के ऊपर श्रवण किए महाराज खुद लिखे हैं, श्री क्षेत्र परिक्रमा, डेथ, माया के ऊपर एक विशेष किताब महाराज ने लिखा है। और महाराज सारे विश्व में भ्रमण करके प्रचार करते हैं, इंडिया, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज, मिडल ईस्ट, बांग्लादेश, हाँ तो ऑस्ट्रेलिया, ऐसे सारे विश्व में भ्रमण करके प्रचार करते हैं। और हजार हजार लोग उनके व्यक्तिगत जीवन से और उनके जो सेवा है श्रील प्रभुपाद जी के प्रति, इस्कॉन के प्रति, चैतन्य महाप्रभु के प्रति और गुरु के प्रति, तो सबके प्रति प्रेरणादायी है। तो हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें महाराज के विशेष
सान्निध्य प्राप्त करने के अवसर प्राप्त हुआ है। तो हम लोग आज के इस दिन में महाराज को स्वागत करते हैं तीन बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, 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 हरि बोल। गालन आपका जन्म करने स्टार्ट ना। यस महाराज। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत समनेति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता। तो मैं जब इस्कॉन में जन्म क्या था पुरी में पढ़ता था कॉलेज में, तो विदेशी भक्त लोगों के संस्पर्श में आया तो उन लोगों ने मेरे को एक किताब दिए थे। फर्स्ट किताब था परफेक्शन ऑफ योग या इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। सेकंड बुक मेरे को दिया था। तो लोग कनाडा से आए थे, कनाडा के ब्रह्मचारी थे। तो इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट ये लगते हैं प्रभुपाद का पहला अंग्रेजी भाषा में एक किताब लिखे थे, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट। तो उधर एक बात प्रभुपाद ने लिखे कोई साइंटिस्ट के बारे में, जो साइंटिस्ट इस बात को बताने के कारण उनको नोबेल प्राइज मिला था। उस साइंटिस्ट ने बताए, तीनों चीज बताए थे। तो उन्होंने बताए थे जैसे हमारा एक मेटेरियल वर्ल्ड है वैसा एक एंटी मेटेरियल वर्ल्ड है। उनका वर्णन के अनुसार मेटेरियल वर्ल्ड है और एक एंटी मेटेरियल वर्ल्ड है, ये एक नंबर थ्योरी था। और दो नंबर था तो इधर जो एक आटम होता है ना, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होता है, वो मेटेरियल वर्ल्ड में वो सब चीज जैसा घूमते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उस उल्टा घूमता है। सेकंड थ्योरी था। और थर्ड थ्योरी था तो मेटेरियल वर्ल्ड एंटी मेटेरियल वर्ल्ड ये दोनों क्लास होंगे और सब ध्वंस हो जाएंगे, थर्ड पॉइंट था। तो प्रभुपाद ने लिखना शुरू कर दिए जे ये पहला नंबर जो थ्योरी तो ठीक है, एक मेटेरियल वर्ल्ड है एक एंटी मेटेरियल वर्ल्ड है, और दूसरा थ्योरी भी ठीक हो सकता है, लेकिन तीसरा थ्योरी को प्रभुपाद ने रिफूट किए। प्रभुपाद ने बताए जो एंटी मेटेरियल वर्ल्ड होता है तो मेटेरियल वर्ल्ड का भौतिक जगत का विपरीत होगा, आध्यात्मिक जगत विपरीत होगा। कितना सुंदर ढंग से प्रभुपाद ने बताए, ध्यान से सुनिए। तो साइंटिस्ट ने बताए तो भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत दोनों परस्पर में संघर्ष होके विनाश प्राप्त हो जाएंगे, ऐसा कुछ। तो प्रभुपाद ने बताए ये कैसे हो सकता है, तो भौतिक जगत का विपरीत होता है आध्यात्मिक जगत, इन प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल भौतिक जगत का विपरीत आध्यात्मिक जगत होगा, इसका मतलब क्या है। भौतिक जगत जब ध्वंस होता है आध्यात्मिक जगत तब ध्वंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि तो अपोजिट ना। तो जो साइंटिस्ट ने बताया दोनों मिलकर ध्वंस हो जाएंगे ये सही बात नहीं है, ऐसा कुछ प्रभुपाद ने बताए। ये मेरे को खूब अच्छा लगा, ये प्रभुपाद का युक्ति तो खूब अच्छा लगा। तो इसका द्वारा प्रभुपाद ने एक संदेश दिए जे एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है जो मेटेरियल वर्ल्ड का भौतिक जगत का विपरीत होता है, वो आध्यात्मिक जगत होता है। देखिए हमारा इस जगत में जो भिन्न भिन्न धर्म है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन यहूदी, सब धर्म में एक धारणा है, एक आइडिया है, एक स्वर्ग है और एक नरक है।
हमारा हिंदू धर्म में बोलते हैं त्रिभुवन होता है, स्वर्ग मर्त्य पाताल होता है। तो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सब धर्म में एक बात को बताया गया, तुम पाप करेंगे तो नरक जाएंगे, पुण्य कर्म करके स्वर्ग जाएंगे, इतना ही बताया गया। इसलिए हर धर्म में पाप पुण्य का विचार होता है, और लोगों को ऊर्ध्वगति होता है नहीं तो निम्नगति होता है। लेकिन स्वर्ग का ऊपर जो आध्यात्मिक जगत है उसके बारे में लोगों को उतना डिटेल मालूम नहीं होता है। ये लोगों ने इस स्वर्गों के लोगों को ही आध्यात्मिक जगत करके मानते हैं, लेकिन स्वर्ग लोग जो होता है वो आध्यात्मिक जगत नहीं होता है। स्वर्ग लोग जो होता है ये भी भौतिक जगत में है। ये भौतिक जगत क्या है ना, एक एक ब्रह्मांड होता है, यूनिवर्स। एक ब्रह्मांड में चतुर्दश भुवन होते हैं, प्लैनेटरी सिस्टम्स, 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स, भूलोक, भूवलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ये ऊपर होता है। और नीचे क्या होता है, समथिंग सुतल, अतल, भीतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, ऐसा करके नीचे होता है। तो ऊपर और नीचे चतुर्दश भुवन होता है। तो चतुर्दश भुवन में ये जो मर्त्य लोक होता है, भूलोक या मर्त्य लोक, इसको कर्म भूमि बताया जाता है, कर्म भूमि। इधर जैसा कर्म करेंगे वैसा हम लोग को फल मिलेगा, मतलब अच्छा कर्म करेंगे तो ऊपर जाएंगे, बुरा कर्म करेंगे तो नीचे जाएंगे। ये स्वर्ग और नरक ये भोग का स्थान होता है, भोग करने का स्थान होता है, सुख और दुख का भोग का स्थान होता है, और मर्त्यलोक कर्म का स्थान होता है। तो ये चतुर्दश भुवन को एक ब्रह्मांड बोला जाता है। ऐसा करके बहुत सारी ब्रह्मांड है, करोड़ करोड़ ब्रह्मांड है, सब अनंत ब्रह्मांड को लेके इसको बताते हैं भौतिक जगत होता है। ये भौतिक जगत, अरे भौतिक जगत ये आध्यात्मिक आकाश होता है, आध्यात्मिक आसमान होता है, परब्रह्म बोलते हैं, चिद आकाश परब्रह्म बोलते हैं। जैसा हमारा ये आसमान में एक क्लाउड या मेघ दिखाई जाता है, वैसे माफिक चिन्मय आकाश, चिन्मय आसमान में एक क्लाउड का माफिक उतना ही ये भौतिक जगत है, जिसमें अनंत कोटि ब्रह्मांड भरा हुआ है। ठीक है, तो इससे हम लोग को मालूम होना चाहिए स्वर्ग मर्त्य पाताल जो कुछ है सब भौतिक जगत का अंदर में है। तो भौतिक जगत बाहर चिद आकाश होता है, और चिद आकाश में परब्रह्म में उधर बहुत सारी वैकुंठ प्लैनेट होता है, इसको स्पिरिचुअल किंगडम बोला जाता है, स्पिरिचुअल किंगडम। तो मेटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहुत सारी अंतर है, उसमें से मेन मुख्य अंतर क्या होता है ना, मेटेरियल वर्ल्ड में काल का प्रभाव होता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में काल का प्रभाव नहीं होता है। प्रभाव होता है तो काल का गति भौतिक जगत में एक तरीका होता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में काल का गति दूसरा तरीका होता है। ये एक डिफरेंस है स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड में। और क्या डिफरेंस है, और एक है माया का प्रभाव इस भौतिक जगत में ही है,
स्पिरिचुअल वर्ल्ड में माया का प्रभाव नहीं होता है। माया मतलब महामाया का प्रभाव। आप लोगों को मालूम है दो तरीके का माया होता है। माया मतलब एनर्जी होता है। माया का बहुत सारे अर्थ होता है। माया, मां मतलब नॉट या मींस दिस, वो जो नहीं है उसको माया बोलते हैं। और माया मतलब ज्ञान को भी माया बोलते हैं, बुद्धि को भी माया बोलते हैं, मर्सी कृपा को भी माया बोलते हैं, और भगवान का ये शक्ति को भी माया बोलते हैं। तो माया शक्ति भगवान का दो तरीका होता है, एक योग माया होता है और एक महामाया होता है। ये योग माया कौन क्या है ना, भगवान का स्वरूप शक्ति होता है, स्पिरिचुअल एनर्जी होता है। तो महामाया ये एक्सटर्नल एनर्जी होता है, ये भौतिक जगत में ये महामाया काम करता है, स्पिरिचुअल जगत में योग माया का काम करता है। तो भौतिक जगत को कौन चलाते हैं, ये भगवान का माया शक्ति चलाते हैं। और काल, काल और काली, हमारा समझ में काली का पूजा किया जाता है ना, तो महाकाल होता है और काली होता है। महाकाल होता है टाइम फैक्टर और काली होते हैं माया फैक्टर। ये दोनों को द्वारा ये भौतिक जगत को, भौतिक जगत चल रहा है, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये दोनों का कोई प्रभाव नहीं होता है। माया का प्रभाव है लेकिन दूसरा तरीका, योग माया का प्रभाव होता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में काल का प्रभाव नहीं है, इसलिए उधर जन्म मृत्यु जरा व्याधि भी नहीं होता है, जैसा इस भौतिक जगत में हमारा शरीर का छह तरीके का परिवर्तन होता है, जन्म होता है, वृद्धि होता है, वंश विस्तार होता है, वृद्ध होता है, मरते हैं, इसे वर्णन किया गया गीता में, एयरपोर्ट में प्रभुपद ने बताए। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। और भी एक अंतर होता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड को तूर्य बोलते हैं, तूर्य, देयर इज ए फोर्थ डायमेंशन। हमारा मेटेरियल वर्ल्ड में लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीन होता है, दैर्घ्य, प्रस्थ और ऊंचाई तीन होता है, लेकिन उधर फोर्थ डायमेंशन है। वो क्या है, कैसा होता है, जब उधर जाएंगे हम लोग तब पता मिलेगा कैसा होता है। वो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और क्या होता है ना, मेटेरियल वर्ल्ड में मैं आत्मा, चिन्मय आत्मा हूं, मेरा शरीर भौतिक होता है, मेटेरियल बॉडी होता है। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आत्मा और शरीर दोनों ही चिन्मय होता है, ऐसा भी मानना चाहिए। उधर आत्मा दूसरा करके आत्मा कोई नहीं होता है, हमारा शरीर है, शरीर के अंदर में आत्मा होता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा नहीं, शरीर है, शरीर के अंदर में आत्मा है, ऐसा नहीं। ये आत्मा जैसा हमारा आत्मा चित्त रूप, चित्त कणा हृदय में अवस्थान करता है, और उसका दो कवरिंग होता है, एक होता है पंच भौतिक स्थूल शरीर होता है, और मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शरीर होता है। लेकिन स्पिरिचुअल में ऐसा नहीं होता है, जो आत्मा अलग नहीं रहते, शरीर का ही आत्मा। और उधर और एक बात है, जैसे हमारा शरीर है इसमें दो आत्मा होते हैं, आत्मा जीवात्मा और परमात्मा होते हैं, हम लोगों ने गीता से सुना। लेकिन स्पिरिचुअल में कोई परमात्मा नहीं होते हैं, परमात्मा का अस्तित्व इस भौतिक जगत में ही होता है। स्पिरिचुअल परमात्मा नहीं होता है, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो भगवान स्वयं है। जब भगवान को छोड़ के जीवात्मा इस भौतिक जगत पर आते हैं, तब
भगवान का साथ जीवात्मा का कनेक्शन कट जाता है, इसलिए भगवान आपको परमात्मा रूप में प्रकाश करके जीव का साथ साथ आते हैं। इस भौतिक जगत में हर कण कण में अनुपरमाणु में भगवान कृष्णा वो परमात्मा रूप में अवस्थान करते हैं। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो कोई परमात्मा का अस्तित्व नहीं होता है, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जितना जीव वो मुक्त जीव होता है, हम लोग मेटेरियल वर्ल्ड में नित्य बद्ध जीव, वो लोग उधर नित्य मुक्त जीव होते हैं और भगवान का सेवा कौन करते हैं, जो उनका पार्षद होता है, एसोसिएट, पर्सनल एसोसिएट को बोलते हैं नित्य सिद्ध पार्षद। ये नित्य सिद्ध पार्षद जो होता है वो जीवात्मा नहीं होता है, जैसा मेटेरियल वर्ल्ड का जीवात्मा होता है, जीवात्मा तटस्थ शक्ति होता है। भगवान का जो तीन शक्ति है, स्वरूप शक्ति, तटस्थ शक्ति और बहिरंग शक्ति, तो हम लोग तो भगवान का तटस्थ शक्ति, स्पिरिचुअल में जो भगवान के साथ रहते हैं वो तटस्थ शक्ति से नहीं होते हैं, भगवान का स्वरूप शक्ति का प्रकाश होता है। जैसे नंदा जसोदा देवकी वसुदेव भगवान का सखा जो होते हैं, ये हम लोग जैसा तटस्थ शक्ति का जीवात्मा होते हैं वो ऐसा नहीं होते हैं, वो भगवान से अभिन्न होते हैं, भगवान से अभिन्न होते हैं, भगवान का स्वरूप शक्ति का मूर्त विग्रह होते हैं। इसलिए एक पार्थक्य दिखाया जाता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, ऐसा बहुत सारी पार्थक्य होता है। तो हम लोगों को इसके बारे में ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि लोगों को इस बातों का ऊपर कोई ज्ञान मालूम नहीं है, ये चर्चा नहीं होता है, ये संदेश लोगों के पास पहुंचा नहीं। बहुत ही लोग तो सोचते हैं मैं इस शरीर में जो हूं यही सब कुछ है, शरीर खत्म हो जाएगा तो सब खत्म हो जाता है। सर्वज्ञ मुनि ने जैसा बताए जो शरीर होता है, ऋणम कृत्या घृतम पिबेत जावत जीवेत सुखम भवेत भस्मीभूत से देह से कुतः पुनरागमन। जितना दिन इस शरीर में रहते हो अच्छा से खाना पीना करो करके तुम आनंद में रहो, मर जाने के बाद और पुनर्जन्म नहीं होता है। वो लोगों ने आत्मा को ही विश्वास करते नहीं। ये एक ग्रुप लोग ऐसा ही है जो चार्वाक का फॉलोअर होते हैं, नास्तिक उसको बोलते हैं। हमारा भारत में 9 दर्शन होते हैं, 9 दर्शन फिलोसफी, उसमें से 3 होता है नास्तिक फिलोसफी और 6 होता है आस्तिक फिलोसफी। नास्तिक फिलोसफी दर्शन होता है चार्वाक फिलोसफी, बौद्ध फिलोसफी, जैन फिलोसफी, ये सब नास्तिक होता है। तो भगवान को मानते नहीं, चार्वाक तो आत्मा को मानते नहीं, भगवान को मानते नहीं, और ये लोग भी आत्मा को मानते हैं लेकिन भगवान को उतना मानते नहीं। उसके बाद आस्तिक फिलोसफी 6 तरीका है, मेरे को अच्छा से अभी याद नहीं होता है, उत्तर मीमांसा पूर्व मीमांसा करके ऐसा कुछ कुछ होता है। तो ये लोग को आत्मा को ही मानते नहीं, तो एक तरीका लोग होते हैं। और जो लोग आत्मा को मानते हैं, आत्मा को मानते हैं तो पुनर्जन्म को मानने पड़ता है, पुनर्जन्म होगा तो पुनर्जन्म के लिए वो लोग पाप पुण्य का विचार करते हैं, पाप करने से नरक जाएंगे, पुण्य करने से स्वर्ग जाएंगे। उसमें से जो दूसरा धर्म का लोग होते हैं, क्रिश्चियन होते हैं, ये होते हैं, ये लोग का मत का अनुसार एक बार ही होता है, इस मनुष्य जन्म में पाप करेंगे तो नरक जाएंगे, नरक में ही रहेंगे बस, और वापस नहीं आएंगे।
स्वर्ग जाएंगे तो स्वर्ग ही रह जाएंगे, वापस नहीं आएगा। तो इधर थोड़ा मिक्स आइडिया है। हम लोग को वेद शास्त्र में बताया गया, वैदिक ग्रंथ में बताया गया, स्वर्ग लोग जाएंगे तो खिन्ने पुण्य मर्त्यलोक को भी संति उधर से वापस आएंगे। नरक को जाएगा, नरक जंतना को भोग करने के बाद फिर उनका पुनर्जन्म होता है। इन ये लोग मानते नहीं पुनर्जन्म नहीं है, तुम नरक जाओ तो बस उधर इटरनल रोको, नहीं तुम जाएंगे स्वर्ग तो उधर ही इटरनल रोको। तो स्वर्ग जो जाते हैं इटरनल लगते हैं, और स्वर्ग और आध्यात्मिक जगत को थोड़ा मिक्स कर देते हैं। आध्यात्मिक जगत जाएंगे तो उधर से जदगत्ता न निवर्तन्ते तद् धामम परमम, उधर जाने से इस भौतिक जगत पर जीवात्मा को आना नहीं पड़ता है। तो ये सब सूक्ष्म विचार होता है वैदिक साहित्य में, ये सब सूक्ष्म विचार होता है। इसलिए भगवत साम्राज्य के बारे में एक डिटेल आइडिया हम लोग होना चाहिए, क्योंकि मैं जैसा बताया स्वर्ग होता है नरक होता है। तो जो लोग हम लोग हिंदू धर्म में इसको कर्मकांडी बोलते हैं, मुसलमान क्रिश्चियन यहूदी को तो ये सब कुछ मालूम नहीं है, लेकिन हमारा हिंदू धर्म कर्मकांडी बोलते हैं। सकाम कर्म करके, सकाम कर्म नहीं भौतिक कर्म करके स्वर्ग मर्त्य को स्वर्ग और नरक प्राप्त होता है। और हमारा सनातन धर्म में ये भी विचार आता है, मोक्ष का विचार आता है। जो लोग मोक्ष मांगते हैं, मुक्ति मांगते हैं, तो एक तो आइडिया मोक्ष या मुक्ति का मतलब है इस संसार से, संसार बंधन से छुटकारी प्राप्त करना, जन्म मृत्यु जरावादि से छुटकारी प्राप्त करना, ये कॉमन आइडिया सबका। लेकिन इसमें और एक आइडिया होता है, मोक्ष का मतलब भगवान को जो निराकार करके मानते हैं, भगवान का निराकार स्वरूप में लीन हो जाना, ये एक धारणा होता है। लगता है ये लोग आध्यात्मिक जगत के बारे में इसको मालूम नहीं है, ये लोग आध्यात्मिक जगत को मानते नहीं, ये लोग भगवान को मानते नहीं। कृष्ण राम नारायण को मानते हैं तो ये लोग का आइडिया है निराकार से साकार स्वरूप कुछ समय के लिए हुए। शंकराचार्य ने बताया नारायण पर व्यक्त, नारायण वो भौतिक जगत से परे, त्रिगुणात्मक माया से परे, लेकिन शंकर का अनुगामी लोग को इसको मानते नहीं, वो कृष्ण राम को माया मकर के मानते, इसलिए इसको मायावादी बोला जाता है। माया ब्रह्म माया का संस्पर्श में आके सत्व गुण का कारण भगवान बनते हैं, रजोगुण से जीवात्मा बनते हैं, इसको ब्रह्म विवर्त बोलते हैं, ब्रह्म का परिवर्तन होता है, और तमगुण से पार्थिव वस्तु का सृष्टि होता है। इन लोगों को धारणा ऐसा होता है। तो बोलने का मतलब ये है जो मूढ़ व्यक्ति होता है उनको तो कुछ भी मालूम नहीं, जानवर का माफिक जीवन यापन करते हैं, मर जाते हैं। जो लोग का थोड़ा ज्ञान होता है, पाप पुण्य का विचार करते हैं, आत्मा को मानते हैं, वो लोग स्वर्ग मर्त्य को मानते हैं, स्वर्ग नरक को मानते हैं। और वो लोग से जो उन्नत होता है, ये पाप पुण्य स्वर्ग और नरक बंधन से छुटकारी पाने के लिए कोशिश करते हैं, मुख्य को पाने के लिए कोशिश करते हैं, वो सिर्फ भगवान का निराकार स्वरूप को ही मानते हैं। परम ब्रह्म अंतिम अवस्था वो निराकार होता है, देखिए। लेकिन जो भक्त होते हैं, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन है ना, जो लोग भक्त होता है, क्योंकि भक्ति का द्वारा ही भगवान को, भगवान का साम्राज्य को जानकर जान सकते हैं। इसलिए भगवान बताते भक्त्यमांग अभिजानाति, तो परम ब्रह्म का एक रूप है, परम ब्रह्म का धाम है, परम ब्रह्म का लीला है, ये सबको मालूम नहीं होता है, कर्मकांडियों को मालूम नहीं होता है, ज्ञानियों को मालूम नहीं होता है,
योग साधना करते हैं योगियों को ध्यान योगियों को मालूम नहीं होता है। जो ज्ञानी होता है निराकार को ब्रह्म को अंतिम लक्ष्य करके मानते हैं, ध्यान जो करते हैं तो अंतर में परमात्मा का दर्शन करके खुश हो जाते हैं। सिर्फ जो भक्त होता है वो निराकार ब्रह्म और परमात्मा से संतुष्ट नहीं होता है, वो बहुत फिर भी अनुसंधान करते हुए उन लोग को ये संदेश प्राप्त होता है जो भगवान का धाम है वो साकार है, उनका रूप है, उनका गुण है, उनका लीला है। शास्त्र में जिधर जिधर बताते हैं भगवान निराकार, एक निराकार स्वरूप है ब्रह्म ज्योति, और उनका जो आकार है वो भौतिक आकार नहीं है। भगवान निर्गुण बताता है, निर्गुण मतलब उनका कोई गुण नहीं ऐसा नहीं, निर्गुण मतलब ये सत्व रज तम ये तीन गुण का अतीत जो होता है इसको भी निर्गुण शुद्ध सत्व गुण इसको बोलते हैं वैष्णव लोगों ने, हाँ इसको भी निर्गुण बोला जाता है। तो इसीलिए इस सब को विचार करके जो आध्यात्मिक जगत होता है स्पिरिचुअल किंगडम, जो स्पिरिचुअल किंगडम में काल का प्रभाव नहीं है माया का प्रभाव नहीं है, इसलिए वो स्पिरिचुअल किंगडम नित्य है। जैसे मेटेरियल वर्ल्ड का सृष्टि होता है पालन होता है अप्रलय होता है, ये मेटेरियल का सृष्टि स्थिति प्रलय, इसलिए ब्रह्मा का द्वारा भौतिक जगत का सृष्टि होता है, विष्णु स्वरूप में भगवान इसको पालन करते हैं और शिव महादेव के स्वरूप में इसको विनाश करते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है, ऐसा जगत का सृष्टि स्थिति प्रलय ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए हमारे वैदिक साहित्य में ये जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड भगवान का साम्राज्य के बारे में बहुत सारी सुंदर सुंदर कथा वर्णना किया गया। तो भगवान उधर जो नित्य लीला करते हैं और भगवान कभी कभी भौतिक जगत में भी आकर लीला करते हैं, तो भौतिक जगत में जो लीला होता है उसको बोलते हैं प्रकट लीला, और भगवत साम्राज्य में जो भगवान का लीला होता है उसको बोलते हैं अप्रकट लीला। अप्रकट लीला का मतलब जो लीला आध्यात्मिक जगत में हो रहा है लेकिन भौतिक जगत का लोग देख नहीं पाते हैं, इसको अप्रकट लीला होता है। और जब भगवान कभी कभी कोई आध्यात्मिक जगत को इस भौतिक जगत में प्रकाश करते हैं, उनको लीला को प्रकाश करते हैं, प्रकट लीला कहा जाता है, जिससे भौतिक लोगों को थोड़ा आइडिया होगा ओ आध्यात्मिक जगत है, भगवान ऐसा लीला करते हैं। जो लीला को दर्शन करते हुए श्रवण करते हुए चिंतन करते हुए जीव का हृदय परिष्कार होगा। अनुग्रह भक्तानां मानुषं देहमाश्रित भजते तादृश क्रीड़ा जश्रुता तत्पर भवे। भगवान ने बताया, हाँ शास्त्र में बताया गया। तो भगवान का जो प्रकट लीला करते हैं तो जो श्रवण करके जीव का हृदय तो परिष्कार होता है और जीव भगवान का ओर आकर्षित होता है, जीव भी भगवान का ओर आकर्षित होता है। तो इसलिए ये जो भगवत साम्राज्य है, ये भगवत साम्राज्य के साथ कर्मकांडियों को ज्ञानियों को योगियों को कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ भक्त लोग के लिए होता है। जो लोग भक्त लोग होता है जो लोग गति आध्यात्मिक जगत पर होता है, और इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण सुस्पष्ट भाव में बताए, हाँ माम उपेत्य कुंते पुनर्जन्म न विद्यते आब्रह्म भुवन लोक पुनरावर्तन अर्जुन, कितना सुस्पष्ट करके बोलने पड़ेगा। अर्जुन ब्रह्म लोक तक जाएंगे तो फिर आने पड़ेगा, लेकिन माम उपेत पुनर्जन्म न विद्यते,
आध्यात्मिक जगत के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन वैदिक साहित्य में दिया गया। निधर गीता में ये भी बताते हैं, न तद भास्त सूर्य न शशांक न पावक, उधर सूर्य किरण नहीं होता है, न शशांक चंद्र नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है, इसका मतलब सब अंधकार है, अंधेरा है, ऐसा नहीं। उधर भगवान का लीला के लिए सब कुछ होता है, लेकिन उधर रात भी होता है, दिन भी होता है, सुबह होता है, शाम होता है, भगवान का अचिंत्य शक्ति। इसलिए भगवान बोलते, देखो मेरा योग शक्ति का प्रभाव देखो, हाँ इससे होता है, होने से भी उनका प्रभाव नहीं पड़ता है, उनका प्रभाव नहीं पड़ता है। भगवान का जो लीला होता है वो त्रिगुणातीत लीला होता है। तो जो लोग भक्ति योग अवलंबन करेंगे, इस सब इंफॉर्मेशन जो मैं बताया इसका ऊपर पूर्ण विश्वास, दृढ़ विश्वास और पूर्ण धारणा लेना चाहिए। हाँ, क्या है भगवत धाम, क्या है। इसीलिए फर्स्ट स्टेप तो हमको मानना पड़ेगा, मैं आत्मा हूं, नेक्स्ट हमारा पुनर्जन्म है। मैं जैसा सिस्टमेटिकली बताया, कोई कोई दार्शनिक है जो आत्मा नहीं है बोलते हैं, ये शरीर ही सब कुछ है, शरीर खत्म हो जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा, सर्वज्ञ जैसा आत्मा। इसलिए हमको पहला स्टेप प्रभुपाद ने बताया, द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन इज टू नो हु एम आई। तो पहले हमको आत्मा को मानना पड़ेगा, आत्मा मान लिया फिर नेक्स्ट स्टेप, कोई कोई बोलते हैं आत्मा तो है लेकिन आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता है। वो जो इंसान होते हैं वो लोग तो जानवर लोगों को अंदर में आत्मा को मानते नहीं, इसलिए जानवर को काट के खाते हैं और बोलते हैं उसका अंदर आत्मा नहीं। इतना बुद्धू है, एक जानवर को काटते हैं तो छटपट करते हैं, उनका अनुभव होता है, उनका ज्ञान भी है, उनका अनुभूति भी है, तब भी लोग इतना मूर्ख है बोलते हैं जानवर का अंदर आत्मा नहीं, उसको काट के खा जाए। तो ये सेकंड स्टेप, आत्मा है और उनका पुनर्जन्म है। तो फिर पुनर्जन्म है तो फिर नेक्स्ट विचार आता है, मेरे को स्वर्ग जाना है, नहीं तो स्वर्ग का ऊपर भगवत साम्राज्य में जाना है। स्वर्ग जाना है, निराकार ब्रह्म को प्राप्त करना है, ना भगवत साम्राज्य में जाना है। ये सब कुछ विचार करके ये आध्यात्मिक जगत का वैचित्र वैरायगेटेडनेस ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इसके बारे में हम लोग को पूर्ण धारणा करना चाहिए। बहुत वैचित्र है आध्यात्मिक जगत में, ये मेटेरियल वर्ल्ड में जैसा वैचित्र है, वेराइटीज है, ये आध्यात्मिक जगत का एक विकृत प्रतिफलन है। भौतिक जगत में जो कुछ होता है, आध्यात्मिक जगत है वो सब कुछ होता है, लेकिन भौतिक जगत में हम लोग जो सोचते हैं ये बुरा है ये अच्छा है, ये द्वंद है, द्वंद, हाँ ये बुरा है अच्छा है, लेकिन आध्यात्मिक विचार से भौतिक जगत में कोई भी अच्छा नहीं है, यही भालो यही मंद, यही सब भ्रम है। ये भ्रम के कारण हम लोग सोचते हैं ये बुरा है ये अच्छा है, ये सब विचार आता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये बुरा है ये अच्छा है ऐसा नहीं है। तो इसीलिए हम लोग को आध्यात्मिक जगत में भगवान का नित्य लीला होता है, भगवान भक्त के साथ लीला करके भगवान को आनंद प्राप्त होता है, भक्त को भी आनंद प्राप्त होता है। तो उससे आनंद को प्राप्त करना हर इंसान का, हर जीव का अंतिम चरम लक्ष्य होता है। तो भगवत साम्राज्य में प्रवेश करने का एक ही उपाय होता है, भगवान को दर्शन करेंगे, भगवान को लीला में प्रवेश करने में एक ही उपाय होता है, भक्ति ही एनम दर्शयति भक्त्यामांग अभिजानाति। सिर्फ भक्ति का द्वारा ही हम लोग भगवत धाम में प्रवेश कर पाएंगे, कर्म का द्वारा नहीं,
ज्ञान का द्वारा नहीं और योग का द्वारा नहीं, भक्ति का द्वारा ही हम लोग भगवत धाम में प्रवेश कर पाए। हरे कृष्णा, धन्यवाद। जय श्री प्रभुपाद की जय। आज पहला क्वेश्चन है कि कैसे एक व्यक्ति समझ सकते हैं कि वो कृष्ण भावनामय हुए हैं? तो जो व्यक्ति कृष्ण भावना में उन्नत होता है वो कभी भी नहीं समझ पाएगा कि मैं अभी कृष्ण भावना हो गया। ये भक्ति का ये लक्षण होता है, जब तुम भक्ति में बढ़ते रहेंगे कृष्ण भावना भावित तो होता है, तुमको याद होगा मैं कृष्ण भक्त अभी तक बना नहीं, वो व्यक्ति समझ नहीं पाएगा। लेकिन उसके लक्षण को देख के साधु गुरु वैष्णव लोग समझ पाएंगे, वो आपको समझ नहीं पाएगा। जितना कृष्ण भावना में अग्रगति होता है उनको मान लगेगा मैं कृष्ण भक्त में प्रवेश ही नहीं कर किया अभी तक, यही भक्ति का लक्षण होता है। सेकंड क्वेश्चन, तो जो एक भक्त जो कृष्ण भावना का शुरुआत किया है उसका लक्षण क्या है? कृष्ण भक्ति का ये लक्षण शुरुआत क्या नहीं, कृष्ण भक्ति का ये लक्षण है तो कृष्ण भक्त अच्छा है कि नहीं इनका लक्षण है श्रवण कीर्तन का प्रति कितना श्रद्धा है। जिसका श्रवण कीर्तन के प्रति श्रद्धा है उसी लक्षण से जो महाजन लोग वो लोग समझ पाता है इसमें कृष्ण भक्ति का उन्मेष हुआ है, श्रवण कीर्तन में कितना निष्ठा है उससे। हरे कृष्ण महाराज, एक जन प्रश्न पूछा है कि कैसे जो क्रोध है एंगर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो क्रोध को कैसा नियंत्रण करेंगे, इसीलिए क्रोध का जन्म स्थान, क्रोध किससे आता है उसको मालूम करना चाहिए। गीता में भगवान ने बताया काम ऐसा क्रोध ऐसा रजगुण समुद्भव, एक काम और क्रोध रजगुण का प्रभाव से आता है। ये रजगुण तमगुण सत्वगुण ये माया त्रिगुणात्मक का माया बोलते हैं, समझते हैं? तो त्रिगुणात्मक माया का प्रभाव से मुक्ति लाभ करने के लिए ये दैवीय सा गुणमयी माया दुरत्य ये गुण का प्रभाव से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन माम एवं जो प्रपद्यन्ते माया मितम तरन्ते, जो भगवान का प्रपत्ति करेंगे वो ये माया त्रिगुणात्मक माया को अतिक्रम कर पाएंगे। तब रजगुण से अतिक्रम करके रजगुण से जो उत्पन्न होता है क्रोध, क्रोध को प्रशमित कर पाएंगे। फिर भी एक बात बताया गया जो भक्त होने का मतलब क्रोध नहीं होगा ऐसा नहीं है। हमारा इंद्र तृप्त में कोई बाधा आता है उसमें से जो क्रोध आता है वो रजगुण से उत्पन्न होने वाला क्रोध है, ये हमको जानना चाहिए। लेकिन भगवान का सेवा में कुछ त्रुटि होता है, कोई बाधा देते हैं, उस समय हमारा क्रोध आएगा वो क्रोध अच्छा है, क्रोध मेरे को शुद्ध करेगा। हनुमान भी क्रोधित होकर लंका जला दिए थे, तो उस समय विष्णु वैष्णव का कोई निंदा करते हैं उनको कोई हानि करते हैं तब क्रोध आएगा तो अच्छा है। और मेरा इंद्र तृप्ति में बाधा आता है इसीलिए जो कोई क्रोध आता है वो बुरा है, वो क्रोध रजगुण से उत्पन्न होता है। थैंक यू महाराज। तो अगला क्वेश्चन, सूरज मोदी, भगवान से कुछ प्राप्ति करने के उद्देश्य से भक्ति करना क्या सही है? भक्ति नहीं करने से भक्ति करके मांगना अच्छा है, इसलिए भागवत ने बताया अकाम सर्व काम मुख्य काम उदार दि तीव्र न भक्ति जोगना जदंते पुरुषं परम। तुमको कुछ प्राप्त करना है तो भगवान को मांगो, लेकिन इसको सकाम भक्ति बोलते हैं। ये भक्ति भक्ति नहीं करने से अच्छा है, क्योंकि कुछ मांगते हैं तब तो भगवान के साथ तुम युक्त होते हो ना, इसलिए मांगने से भगवान तुम्हारा वासना पूर्ण करेंगे, फिर तुमको वासना से मुक्त कर देंगे, ठीक है। लेकिन इसको निकृष्ट भक्ति बोलते हैं, सकाम भक्ति को, भगवान से भौतिक वस्तु मांगना इसको निकृष्ट भक्ति बोलते हैं। उत्कृष्ट भक्ति क्या है? निष्काम भक्ति, भगवान को कुछ मांगना जरूरत नहीं है,
क्योंकि भगवान का अच्छा तरीका मालूम है मेरे को क्या चाहिए नहीं चाहिए। भगवान को हम लोग क्या मांगेंगे, भगवान जो इतना दिए हुए, कभी भगवान को तुम थैंक यू किए, भगवान ने कितना पानी दिए, कितना हवा दिए, कितना सूरज का रोशनी दिए, फल फूल दिए, तो भगवान को मांगना जरूरत नहीं, सब भगवान देंगे। तो जो लोग इतना उन्नत स्तर में पहुंचे नहीं, तो थोड़ा विपद आया कुछ चाहे तो भगवान को मांग सकते हैं, लेकिन मांगने का जरूरत नहीं है। एक सकाम भक्ति होता है, उससे अच्छा निष्काम भक्ति होता है, उससे बड़ा प्रेम भक्ति होता है। हरे कृष्ण महाराज, जो एक सेकंड प्रश्न पूछा है एक जन भक्त, कि भक्ति करते हैं तो घर पे बहुत डांटता है और बोलता है ब्रह्मचारी बन जाएगा, अभी ऐसे परेशान हो जा रहा है, तो कैसे उसको कोप अप करे, उस सिचुएशन से डील करे, आज घर पे बहुत डिस्टर्ब कर रहा है इस तरीके से पेरेंट्स और रिलेटिव्स लोग। क्वेश्चन, ये सही बात है, जब हम लोग घर में रहते हैं, ये हर ब्रह्मचारियों का जीवन में इसी फेज को अतिक्रम करने पड़ेगा। तो जब हम लोग घर में रहते हैं, ये समस्या एक चैलेंज है। हमारा पिता माता ने, मैं जब साधु बनने चाहता हूँ, वो लोग दुखी हो जाता है कि साधु हमारा बेटा साधु क्यों बनेगा, असाधु होगा, बदमाश होगा। हाँ, तब पिता माता मन बहुत खुश होता है, बदमाश करके पैसा कमाएगा, बड़ा मकान बनाएगा, ये करेगा ये करेगा, ये दुर्भाग्य का बात है। क्योंकि पिता माता है खुश होते हैं, क्योंकि पिता माता समझते नहीं, भौतिक आसक्त है, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा। जो भक्त ऐसा समस्या में रहते हुए भी भक्ति करते हैं, पिता माता डांटते हैं, कोई अच्छा सुजग नहीं, सुविधा नहीं है, तब भी भक्ति करते हैं, तो उन लोगों के प्रति भगवान का ज्यादा कृपा रहेगा। भगवान, क्योंकि ना वो लड़का इतना भगवान के प्रति आसक्त है, इतना प्रतिकूल अवस्था में भी भक्ति करते हैं, तो भगवान का कृपा ज्यादा मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात ये है, हम लोग जो समाज में जो रहते हैं, तुम घर छोड़ के आश्रम में ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, तो घर लोगों के साथ थोड़ा मिल के रहने पड़ेगा। उन लोगों को खुश, वो लोग जैसे खुश होंगे, ऐसा काम करने पड़ेगा। इसीलिए एक आचार्य ने बताए कैसा करने पड़ेगा ना, एक औरत है, ये औरत का स्वामी है, लेकिन औरत पर पुरुष, दूसरा पुरुष का सब प्रति आसक्त है, दूसरा पुरुष का पास जाता है, तो ये औरत क्या करेंगे ना, मन रहेगा दूसरा पुरुष का पास, उनका मन रहेगा दूसरा पर पुरुष का ऊपर, किंतु कर्म करते रहेंगे, घर में रहते हैं, घर का काम अच्छा से करते हैं, स्वामी को अच्छा से संतुष्ट करते हैं, और मन रहता है पर पुरुष के पास, काम करते हैं घर पुरुष के पास। वैसा मापिक जो भक्त है, घर में रहते हैं, घर वालों को, घर वाली को संतुष्ट करने के लिए काम करेगा, और मन रहेगा परम पुरुष के पास रखेंगे, तो ऐसा एडजस्ट करके रहना पड़ेगा। और अगर कोई भक्त को हरि नाम और हरि कथा में रुचि नहीं मिल रहा है, या रुचि नष्ट हो गया है और भक्ति में प्रगति नहीं कर पा रहे, तो उनको क्या करना चाहिए? हरि नाम में हम लोग का किसी का भी रुचि नहीं है, रुचि नहीं होने से भी हरि नाम करते हुए करते हुए फिर हरि नाम के प्रति रुचि आएगा, जैसा उपदेश अमृत में बताया गया, जो जंडिस होता है तो मिश्री खाने से, चीनी खाने से उनको
मीठा नहीं लगता है उसका, तो रुचि है नहीं है, करते रहेंगे हम लोग। और ऐसा करने के लिए थोड़ा सत्संग चाहिए, साधु संग में रहेंगे तो लोग का प्रभाव से हम लोग अच्छा नहीं लगता है तब भी कर पाएंगे, ऐसा होगा। तो एक भक्त ने प्रश्न पूछे है, हरिबोल सुन पाते हैं आप लोग? हमारा सुन पा रहे हैं। तो शुभदीप चटर्जी ने पूछा है, कृष्ण भक्ति में चल जब करते हैं तब कोई चार नियम को व्यतिक्रम होता है तो उसको कैसे क्या करना है? चार नियम व्यतिक्रम होता है तो भक्ति में रहो, भक्ति को मत छोड़ो, भक्त में भक्ति करते रहो, भक्तमूलक सेवा करते रहो सत्संग में, तो आस्ते आस्ते सब ठीक हो जाएगा। हम लोग अनादि काल से हम लोग का दुष्कर्म का एक भावना है, तो अभी हठात बंद नहीं होता है तो सत्संग से हरिनाम करते करेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो क्या करने पड़ेगा, हमको थोड़ा पश्चाताप करना पड़ेगा, थोड़ा अनुताप करना पड़ेगा। हम लोग कोई नियम को भंग हो जाता है तो पूर्व संस्कार के कारण भी हो सकता है और कुसंग का प्रभाव से हो सकता है और वैष्णव अपराध के कारण भी हो सकता है। तो कभी ऐसा हो जाता है तो हम लोग थोड़ा अनुताप करेंगे तो उससे अच्छा रहेगा। ओके, हरे कृष्णा, आप लोगों को सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को मौका देने के लिए। तो 2 साल हो गया कोई बच्चे लोग से तो मिल नहीं पाता हूँ, तो जब थोड़ा मैं तभी कलकत्ता में हूँ, मैं आज कलकत्ता आया, कल जगन्नाथ पुरी जाऊंगा, उधर 28 तारीख से 4 तारीख तक रहूंगा। आप लोग आइए, पुरी आएंगे तो छात्र पुरी घूमेंगे, प्रोग्राम कर लीजिए। हमारा वर्चुअल परिक्रमा के लिए मैं जा रहा हूँ, 1 तारीख तक चलेगा, 1, 2, 3, 4 आप लोग सब आइए पुरी में, हम लोग इकट्ठा करके जगन्नाथ प्रसाद खाएंगे, समुद्र में नहाएंगे और दर्शन करेंगे। हम लोग सब आशा करते हैं कि महाराज से फिजिकली एसोसिएशन लेंगे कभी, और महाराज हम लोग का चिंगरी घाटा जानूदेव वॉइस में भी आए, गोड़िया वॉइस में भी आए फिजिकली, तो बहुत अच्छा होगा। तो हम लोग डायरेक्टली महाराज का संग पाएंगे। अभी वॉइस में सब स्टूडेंट तो नहीं है? नहीं नहीं, सब तो घर पे है, कोरोना के डर से सब घर पे अभी तो चांस नहीं। जब सब आ जाएंगे फिर मैं जाऊंगा। महाराज गोरिया वॉइस में कुछ डिवोटीज हैं, 8-10 डिवोटीज हैं, तो अगर आपके समय है तो आप गोरिया वॉइस में आए नहीं तो आप आएंगे तो हमें बहुत सौभाग्य होगा महाराज। गोरिया वॉइस में जो 8-10 नहीं, जब 80 भक्त हो जाएंगे तब मैं आऊंगा। हरि बोल। आप आशीर्वाद करिए महाराज आपकी कृपा से। अरे हरिबोल, हम लोग धन्यवाद देते महाराज को, तो हम लोग धन्यवाद देते महाराज का एसोसिएशन के लिए। तो हिज होलीनेस भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज की जय।